दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के अवसर पर आयोजित क्राफ्ट मेले में प्रदर्शित की गई विश्व की सबसे छोटी जूती लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। इस जूती को देखने के लिए दूर दराज से पर्यटक आ रहे हैं। इस जूती को बनाने वाले शिल्पकार ने सरकार से अपनी इस उपलब्धि के लिए अवार्ड भी जीता है। कुरुक्षेत्र में आयोजित इस समारोह में इस जूती को खास तौर पर प्रदर्शित किया गया है ताकि लोग इस अद्भुत कला से रूबरू हो सके। इस दौरान इस चावल के दाने के आकार जितनी जूती को बनाने वाले शिल्पकार बुद्धराम ने बताया कि वह इससे पहले भी कई छोटे बड़े आकार की जूतियां तैयार कर चुके हैं और इस बार उन्होंने जो जूती तैयार की है वह मात्र एक चावल के दाने जितनी बड़ी है। बुद्धराम ने कहा कि वह इन्हें बेचने के लिए नहीं बनाते बल्कि इन्हें केवल अपने मनोरंजन एवं कला की पूर्ति हेतु बनाते हैं। इस रान मेले में इस जूती को देखने पर्यटकों ने इसकी जमकर प्रशंसा की। क्षेत्र में गीता जयंती का जो महोत्सव हुआ है उसमें मैं आई, मैंने देखा यहाँ पे विश्व की सबसे छोटी जूतियाँ हैं, अलग अलग साइज की, चावल के बराबर। और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे भारत में बहुत सारी कलाएं हैं जो यहाँ आपको देखने को मिलेगी। मैं पटियाले पंजाब से, मेरा नाम बुद्धराम है और पंजाब से स्टेट अवार्ड हूँ। और मेरा ये हर वक्त रहता है कुछ ना कुछ पब्लिक के लिए कुछ नवा लेके आऊँ। पहले मैं लेके आया था 6 साल पहले और 2-3 साल तक चलती रही। वो 9 फुट लंबी जूती थी, 3 फुट चौड़ी थी। उसको बनाने में 45 दिन लगे। उसके बाद मैंने बनाई 1.5 इंच की जूती, वो भी बहुत आकर्षक का केंद्र रहा। फिर उसके बाद मैंने ही अपना रिकॉर्ड तोड़ा, 1 इंच की जूती बनाई। फिर मैंने 1.25 इंच की जूती बनाई। फिर मैंने 1/2 इंच की जूती बनाई। अब मैंने राइस के चावल के बराबर एक जूती बनाई है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी और पब्लिक भी देखने खूब आ रही है। उस जूती को भी लोग जैसे भी देखते हैं ना, उस मेले में भीड़ मुड़ जाती है। भैया कल भी आए लोग, टेलीविजन दिख रहा तुम्हारा, भैया दिखाओ हमारे को। नहीं नहीं पहले वो जूतियाँ दिखाओ।